व्यूवर्स, ये हैं फेमस टीवी एक्टर गुलाब चांडियो। गुलाब चांडियो साहब के साथ मैंने यानी हनी फराजा ने किया एक प्रैंक। ना 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 गुलबहार बेगम। गुलाब चांडियो साहब को बुलाया गया एक ऐसी एक्टिंग एकेडमी में जहां पर और दूसरे एक्टर्स भी एक्टिंग पर लेक्चर देने आते थे। सर, एक्टिंग के बारे में कुछ बुनियादी बातें बताइए। जब हमें स्क्रिप्ट मिलता है हम उसको याद करते हैं और फिर रिहर्सल करते हैं, उसके बाद हम रिकॉर्डिंग के लिए आते हैं। तो पहली बात ये है उसमें कि आप कभी भी कैमरा में ना देखें। सर, अगर कैमरे की तरफ नहीं देखेंगे तो पता कैसे चलेगा कि रिकॉर्डिंग होगी? नहीं, मेरा मतलब ये है कि आप अपने उस जो सिचुएशन है उसमें आप रहें, कैमरा लेंस जो है उसमें आप ना देखें। सर, आप प्लीज अपने ड्रामे का कोई सीन करके बताएंगे। देखिए जी, अभी please, अभी भी मुझे मुझे कोई याद नहीं है, यकीन कर। अच्छा, तो सिचुएशन कुछ यूं थी कि मैंने एक प्ले किया था चांद ग्रहण, शायद आप लोगों ने देखा हो जी। उसमें ये एक ब्लैकमेलिंग करता है किसी को, लड़की को, तो वो सिचुएशन मुझे थोड़ी सी याद है, मैं वो बता दूं। ना 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 गुलबहार बेगम, मुझे याद है आज से 20 साल से तुमने जो मेरी रकम खाई है वो मुझे चाहिए, और आज मैं वो रकम लेकर ही रहूंगा, याद रखना। ये थोड़ा सा मुझे थैंक यू। अच्छा, मेरा डायलॉग तो आप लोगों ने सुना, अब इसी डायलॉग को कौन बोलेगा इस तरह? जी, आप अपने साथी की हिम्मत अफजाई करें, उसके लिए तालियां बजाएं और देखते हैं कि इसमें कितने जरासीम हैं। जरासीम ज्यादा हैं तो दवाई छिड़क दें। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अली नौमानी। तो आपने मेरा डायलॉग सुना, ठीक है, अब आप इसी को अच्छे तरीके से जो है वो परफॉर्म करके बताएं हमें। ना 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 बाहर बेगम, तुमने जो 20 साल से मेरी रकम अपने पास दबा के रखी हुई है वो तो आज मैं लेके ही जाऊंगा। नहीं यार, दिलबहार से गुलबहार है, आप उसको सही तरीके से कहें। दिलबहार है, अगर आपने गुलबहार बोला है तो इसका मतलब है आपने रिकॉर्डिंग गलत। अगर आप मुझसे पूछ के रिकॉर्डिंग करते तो आप ज्यादा अच्छा कर सकते थे। क्या बात। मेरी बताई हुई प्लानिंग के मुताबिक स्टूडेंट ने हल्की फुल्की बदतमीजी स्टार्ट कर दी। अच्छा जी, मैं अब एक आपको बात बताता हूँ। एक नहीं, चार बताएं, चार। भाई, मुझे तो लग रहा है कि आप मेरे से ज्यादा बातें जानते हैं, तो ठीक है मैं चला जाता हूँ, आप लोग नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं भाई। अरे अरे, गुलाब चांडी साहब तो नाराज होकर जाने लगे। मेरे यानी हनीफ राजा के प्रैंक शो के एक और कैरेक्टर भी गुलाब चांडी साहब को समझाने बुझाने लगे। मेरी एक बात तक मेरी नहीं सुनी इन लोगों ने यार। भांडा फोड़ने के लिए मैं फौरन सीन के अंदर दाखिल हो गया। वालेकुम सलाम। हाँ राजा, क्या हाल है? बस यार, मैं ये आया था, मैं इनको लेक्चर देने, और मेरी बेइज्जती कर दी है, और कोई इनमें एटिकेट्स नहीं है, तो अब ऐसा है कि मुझे इजाजत दो, बस राजा है आप इनसे बात करो। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, क्या हो गया यार? नहीं कुछ नहीं, मैं तो अभी खुद आया हूँ, ये बता रहे हैं कि कुछ मैं इधर आया हूँ तो बजाय सुनने के मेरी बेइज्जती हो रही है भाई। क्या मतलब? क्या मतलब ये कि मैं इनको जो डायलॉग बता रहा हूँ वो उसके उलट उसको बता रहे हैं? अब ये सीखने के लिए आए या सिखाने के लिए आए यार? नहीं नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं। क्या? नहीं ऐसी कोई बात, ये कैसा कि रिकॉर्डिंग कर रहे थे, ये इतने पढ़े लिखे शरीफ रियली भाई, आई एम सॉरी अगर मेरे से कोई बदतमीजी हुई है, मुझे इस बात का पता नहीं। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो हमारे फेसबुक को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल का नाम है हनीफ राजा।